हेलो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास फ्लाई स्काई FS-I6 ट्रांसमीटर है और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 10 चैनल्स दिख रहे हैं। दोस्तों इसे जब मैंने परचेस किया था तब इसमें 6 चैनल्स थे, बाद में मैंने इसका फर्मवेयर अपग्रेड किया और इसे 10 चैनल बनाया। दोस्तों इसे 10 चैनल में कन्वर्ट करने के बाद मैं इस ट्रांसमीटर के सभी स्विच और जॉयस्टिक को अभी यूज कर सकता हूँ। मतलब दोस्तों मैं पूरे 10 चैनल यूज कर सकता हूँ। तो मतलब दोस्तों आप RC रोबोट या फिर RC एक्सकैवेटर ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें आपको पूरे 10 चैनल का यूज करना है तो आपको फ्लाई स्काई FS-IA-10B रिसीवर यूज करना पड़ेगा। और दोस्तों इस रिसीवर की कॉस्ट लगभग 1800 रुपये है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें हम 200 रुपये का अर्डिनो नैनो बोर्ड यूज करके सेम ऐसा ही रिसीवर बना सकते हैं। दोस्तों मैंने ये खुद ट्राई किया है तो मैंने सोचा आपके साथ ये शेयर कर दूं, शायद किसी के ये काम आ जाए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये 10 चैनल PWM रिसीवर बना के दिखाऊंगा। और इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पे यूज किया है FS-IA-6B रिसीवर। दोस्तों ये 6 चैनल रिसीवर है। दोस्तों इसी के साथ साथ ये PPM और IBUS प्रोटोकॉल भी सपोर्ट करता है। दोस्तों IBUS प्रोटोकॉल लगभग 14 चैनल तक सपोर्ट करता है। तो हम लोग दोस्तों अभी IBUS यूज करने जा रहे हैं। इसके लिए हमें एक लगेगा अर्डिनो नैनो बोर्ड जो लगभग 200 रुपये का आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आपको कनेक्शंस बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने दो जम्पर वायर्स लिए और इन्हें देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया है। दोस्तों इन जम्पर वायर्स को मैंने देखिए लास्ट वाली पिन में पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ग्राउंड पिन में कनेक्ट किया। यहाँ पे दोस्तों ये येलो वाली पिन का दूसरा एंड अर्ड्रिनो नैनो बोर्ड की VIN पिन में लगाना है और ये ग्रीन वाली वायर अर्ड्रिनो नैनो के ग्राउंड में लगेगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक ESC लिया है जिसका 5 वोल्ट का सप्लाई मैं रिसीवर को देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी वायर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों BEC से जो 5 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है वो रिसीवर को जा रहा है और रिसीवर से देखिए पैरेलल में ये अर्डिनो नैनो बोर्ड को जा रहा है। उसके बाद दोस्तों मैंने और एक जम्पर वायर लिए यहाँ पे और इसे देखिए सबसे टॉप वाली राइट साइड वाली पिन में कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इस जम्पर वायर को IBUS में लगा दिया है और इसका दूसरा एंड देखिए यहाँ पे अर्ड्रिनो नैनो बोर्ड के RX पिन में लगेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने इसे RX पिन में लगा दिया। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। दोस्तों ये कनेक्शंस करने से पहले आपको अर्ड्रिनो नैनो बोर्ड को प्रोग्राम करना है और इसे कैसे प्रोग्राम करना है, इसके लिए कोड कौन सा यूज करना है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों अर्ड्रिनो नैनो बोर्ड को प्रोग्राम करने के लिए गूगल में जाना है और यहाँ पे अर्ड्रिनो ID टाइप करना है। तो यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे विंडोज पे क्लिक करना है और बाद में जस्ट डाउनलोड। दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दीजिए और ये कोड मैं आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस फाइल को डाउनलोड करके अनजिप करना है। उसके बाद इसे ओपन करके देखिए टूल्स में जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको बोर्ड सिलेक्ट करना है, पोर्ट सिलेक्ट करना है और अगर ज़रूरत पड़े तो बूट लोडर सिलेक्ट करना है और उसके बाद अपलोड। दोस्तों अपलोड कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ पे डन अपलोडिंग बताएगा। बाद में दोस्तों यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे बॉड रेट सिलेक्ट करना है 115200। तो अभी दोस्तों देखिए मैं ट्रांसमीटर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं पहले चैनल की वैल्यू चेंज हो रही है, बाद में दूसरे चैनल की भी वैल्यू चेंज हो रही है और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 चैनल की वैल्यूज है। और जैसे मैं ट्रांसमीटर पे स्टिक आगे पीछे ऊपर नीचे या फिर कोई बटन ऑन या ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैल्यूज चेंज हो रही है। तो मतलब हमारा ट्रांसमीटर ठीक से काम कर रहा है और रिसीवर भी ठीक से काम कर रहा है और रिसीवर में जो सिग्नल आ रहा है वो प्रॉपरली हमारा अर्डिनो नैनो बोर्ड पढ़ पा रहा है। तो अभी दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी स्टिक्स को ऊपर नीचे राइट लेफ्ट किया और बाद में बटन्स को सभी ऑन ऑफ करके चेक कर लिया सब कुछ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं सब कुछ ठीक से काम कर रहा है। तो अभी दोस्तों सीरियल मॉनिटर को क्लोज करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सीरियल प्रिंट जहाँ जहाँ पे भी लिखा है उसके पहले दो फॉरवर्ड स्लैश देने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मैंने दो दो फॉरवर्ड स्लैश सभी जगह दे दिए और उसके बाद इस कोड को फिर से अर्डिनो नैनो बोर्ड में अपलोड करना है। दोस्तों ध्यान रखिए इस कोड को जब भी आप अपलोड करेंगे तब नैनो बोर्ड के कनेक्शंस हटाने हैं, नहीं तो आपका रिसीवर या नैनो बोर्ड खराब हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसे अपलोड कर देता हूँ और अभी दोस्तों देखिए मैंने रिसीवर में यहाँ पे दो जम्पर वायर्स लगा दी
और दोस्तों इन दो जम्पर वायर्स को देखिए, मैंने यहाँ पे सर्वो में लगा दिया, मतलब पॉजिटिव वायर पॉजिटिव में, नेगेटिव वायर नेगेटिव में। और दोस्तों ये तीसरी वायर सिग्नल वायर है, इसे देखिए मैं लगा रहा हूँ D2 पिन में। तो चलिए अभी मैं ट्रांसमीटर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं ये राइट वाली स्टिक राइट या लेफ्ट में ले रहा हूँ, तो हमारी सर्वो मूव हो रही है। तो अभी दोस्तों सर्वो में जो सिग्नल पिन लगी है वो D2 में लगी थी, उसे मैं निकाल के D3 में लगाता हूँ। तो देखिए मैं जब ये स्टिक ऊपर नीचे करता हूँ तो हमारी सर्वो मूव हो रही है। तो चलिए अभी मैं D3 से निकाल के D4 में लगाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थ्रॉटल स्टिक को ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो हमारी सर्वो मूव हो रही है। मतलब दोस्तों हमारे सभी चैनल स्टिक से काम कर रहे हैं और हमारी सर्वो को 1000 से लेके 2000 ms तक, मतलब मिली सेकेंड का पल्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सिग्नल पिन को D5 में लगाया और आप देख सकते हैं रडर चैनल पे अब हमारी सर्वो काम कर रही है। अभी मैं इसे लगा देता हूँ D6 में। D6 में दोस्तों यहाँ पे मैंने एक स्विच को असाइन किया है, तो आप देख सकते हैं मैं स्विच ऑन या ऑफ करता हूँ तो उस हिसाब से इस सर्वो की कंट्रोल आर्म की पोजीशन चेंज हो रही है। तो मतलब दोस्तों हमारे सभी चैनल्स ठीक से काम कर रहे हैं और हमारा दोस्तों ये 10 चैनल रिसीवर सक्सेसफुल है। तो आपको दोस्तों महंगा वाला रिसीवर लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 200-250 रुपए का आप नैनो बोर्ड लेके इस तरह से आप रिसीवर बना सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।